हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सबका टेक चैनल। तो दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं, और परमानेंट डिलीट अकाउंट करने में और अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करने में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपको परमानेंट डिलीट कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको जाना है अपने अकाउंट पर जिसको आपको डिलीट करना है, फेसबुक अकाउंट पर। तो वहाँ पर आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, कोने पर थ्री लाइन्स बने हैं, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आइए, हेल्प सेंटर पर यहाँ पर क्लिक करिए, लैंग्वेज के नीचे है थोड़ा सा, और वहाँ पर टाइप करिए यहाँ पर आप डिलीट अकाउंट। डिलीट अकाउंट टाइप करने के बाद यहाँ पर आप सर्च मार दीजिए। सर्च मारने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड पे ऑप्शन आ रहा है, हाउ डू आई परमानेंटली डिलीट माई अकाउंट। आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे थोड़ा आएंगे, रिलेटेड आर्टिकल्स के नीचे आप देखेंगे हाउ डू आई डीएक्टिवेट माई अकाउंट। क्लिक मार दिया आपने। क्लिक मारने के बाद यहाँ पर देखिए टू परमानेंटली डिलीट योर अकाउंट, थोड़ा सा नीचे आकर के और प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास सामने एक चीज़ आ रही है लिखी हुई, उसका मतलब यह है कि फेसबुक आपको बता रहा है कि अगर आप अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी आप दोबारा से जो है इसको एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, मतलब परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो ये चीज़ ये कह रहा है, तो आप इसके लिए तैयार हैं कि नहीं, तो बस ये वार्निंग दे करके यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डाल दें, और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आप सबमिट कर दें। तो सबमिट करने से क्या होगा, सबमिट करने के बाद आपके सामने पेज खुल जाएगा। पेज में होगा कि आपका भाई ये जो है डिलीट हो गया है, मतलब हो गया नहीं, वो प्रोसेस में हो गया, क्योंकि फेसबुक वालों को थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही आपकी फ़ोटोज़ वगैरह सब जितनी चीज़ें आपने डाली हैं वो सारी डिलीट करने में। यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है कि अगर आप मान लीजिए 14 डेज़ के अंदर अंदर दोबारा से इसमें लॉगिन करते हैं सेम आईडी और सेम पासवर्ड से, तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कैंसिल रिक्वेस्ट। और तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें कि आपके जो अकाउंट डिलीट हो रहा है उसको अगर आप रोकना चाहते हैं तो आप दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ पर ऑप्शन दे देगा रोकने के लिए। और लेकिन अगर 14 दिन के बाद अगर आपने करा तो आप नहीं कर पाएंगे, 14 दिन के बाद आपका परमानेंट जो है डिलीट हो जाएगा। तो 14 दिन का आपके पास टाइम होता है। और दूसरा ये कि डीएक्टिवेट में क्या है, डीएक्टिवेट में आपको कुछ नहीं है, आपको अकाउंट सिक्योरिटी में जाना है, अकाउंट में जाना है, सिक्योरिटी में जाएंगे आप, सिक्योरिटी में जा करके वहाँ पर डीएक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर मान लीजिए 2-3 महीनों के लिए या 4 महीनों के लिए कुछ अपना फेसबुक जो है नहीं चलाना चाहते हैं किसी वजह से, तो आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपको कोई सर्च नहीं कर पाएगा, सारी चीज़ें होंगी, मतलब आपको सर्च नहीं कर पाएगा, कोई आपको ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन आपका अकाउंट जो है डिलीट नहीं होगा पूरा। जब आपकी मर्जी होगी आप दोबारा से जो आएंगे और दोबारा लॉगिन करेंगे आप नॉर्मल जो है अपना फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो डीएक्टिवेट का मतलब ये होता है, और परमानेंट का मतलब परमानेंट डिलीट हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और